हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कंपिटेटिव एग्जाम आज हम जानेंगे डीआरडीओ साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के बारे में तो चलिए जानते हैं तो दोस्तों डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज 185 एट्टी फाइव डी साइंटिस्ट बी वैकेंसीज ऑल द ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस कैन अप्लाई इन द वेबसाइट डब्लू डब्ल्यू डॉट आर ए सी डॉट जी ओ वी डॉट इन तो डी ने जो वन एट्टी फाइव डी साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकाली है उनको जो ग्रेजुएट्स इंजीनियर एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस के हैं उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट में डब्ल्यू में और इसका जो आखिरी डेट है वो है जुलाई टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जुलाई टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी से पहले आपको डीआरडीओ साइंटिस्ट वी का रिक्रूटमेंट फॉर्म को भर देना चाहिए अब जान लेते हैं डीआरडीओ साइंटिस्ट वी की एज लिमिट के बारे में तो ऑन रिजर्व जो कि जनरल कैटेगरी के, के लिए जो एज लिमिट है वो है ट्वेंटी एट ईयर्स और ओबीसी के लिए जो एज लिमिट है वो है थर्टी वन ईयर्स और एस जो एस टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए थर्टी थ्री ईयर्स है और इसका एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल ऑन रिजर्व कैटेगरी ई एंड ओ मेल कैंडिडेट के लिए एक है और ए सी एस पी डब्ल्यू डी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी पैसा नहीं है उनके लिए नो फी है चलिए अब जान लेते हैं कुल वैकेंसी के बारे में तो नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जान लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है उनके लिए जो वैकेंसी है वो है थर्टी सेवन पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्टी फाइव पोस्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए थर्टी वन पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्वेल्व पोस्ट है मेटेरियल साइंस एंड मेटालोजिकल इंजीनियरिंग के लिए कुल टेन पोस्ट है और फिजिक्स के लिए जो वैकेंसी है वो है कुल एट एट पोस्ट और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सेवन पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सिक्स पोस्ट एरोनोटिकल इंजीनियरिंग के लिए फोर पोस्ट मैथमेटिक्स के लिए भी फोर पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए थ्री पोस्ट और आखिरी में साइकोलॉजी उसमें कुल टेन पोस्ट है और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका कंपलसरी बैचलर डिग्री रहेगा सारे के सारे पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए तो कुल cool 187 पोस्ट के लिए आप डीआरडीओ साइंटिस्ट वी का रिक्रूटमेंट भर सकते हैं और अब जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में तो इसका सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या है द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर एंड और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और परसेंटेज ऑफ मार्क इन एन तो ये आपका गेट स्कोर को लेके सिलेक्शन प्रोसीडियर बनाया जाएगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और परसेंटेज मार्क इन नीट में जो रखा होगा उसकी बेसिस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस एज डिस्क्राइब बाय डीआरडीओ और दोस्तों डीआरडीओ से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना